हेलो दोस्तों, देखिए आज हम बनाने जा रहे हैं छोटा वाला मछली। देखिए इसको हम अच्छे से फ्रेश साफ कर इसको हम धो लिए हैं और अब इस ये बहुत अच्छा लगता है रोटी के साथ खाने में, तो इसको हम बना के आपको दिखाते हैं। तो इसके लिए लिए हैं हम सरसों और लहसुन, इसको हम पेस्ट बना तो आप देखिए इसको हम पेस्ट बना लिए हैं और इसी जगह पर हम इसमें डालेंगे। ये मछली है मेरा, बहुत अच्छे से इसको साफ कर अगर एक भी मछली में थोड़ा सा भी अगर गंदा रह जाएगा तो ये थोड़ा कड़वा लगेगा खाने में। तो इसको अच्छे से ऐसे पेट ये कर और अच्छे से सारा गंदगी निकाल कर इसको अच्छे से वॉश कर लेना। हम इसको साफ कर लिए हैं, अब यहीं पे हम डालेंगे सरसों लहसुन डाला हुआ, ये इसका सारा पेस्ट, और यहीं पर डालेंगे हम मिर्च पाउडर। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं तीखा, ये थोड़ा सा ये रहता है तीखा या चटपटा तो अच्छा लगता है खाने में। और यहीं पे डालेंगे हम हल्दी अपने टेस्ट के हिसाब से, नमक, और ये सभी को हम मिक्स कर लेंगे। इसका छोटा पकौड़ी भी बहुत अच्छा लगता है, तो आप इसका पकौड़ी भी बना सकते हैं। हम इसका पकौड़ी भी बनाए हैं। देखिए सारे मसाले को हम अच्छे से मछली में मिला दिए और अब हम इसको बनाने की तरफ चल रहे हैं। देखिए मेरा कढ़ाई हम पहले ही चढ़ा दिए थे इसलिए क्योंकि इसमें हम थोड़ा सा मछली का पकौड़ी बनाए थे। तो मेरा तेल हो गया है गरम और इसी पे जगह पे हम डालेंगे ये पचफोरन और यहाँ पे जो हमने मछली लिए हैं सारे मछली को हम इस तरह से फैलाते हुए डालेंगे। इस मछली को हम ऐसे फैलाते हुए डाल देंगे और गैस को हम मीडियम कर इसको हम 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे। तो आप देख सकते हैं ये 3 से 4 मिनट हो चुका है। अब इसको हम पलट देंगे, इसको देखिए कितना आसानी से ये हो जा रहा है। इसको ऐसे कर देंगे इस तरह से, सारे मछली को कर देंगे। देखिए इस तरह से हम सारे मछली को पलट दिए और ताकि मेरा ऊपर वाला भी अच्छे से पक जाए। फिर इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो आप देख सकते हैं मेरा इधर से भी बहुत अच्छे से ये मछली मेरा पक गया है। अब इसी जगह पर हम इसको इसमें पानी डालेंगे जगह पे। ये हम पानी इसमें दे दिए, थोड़ा और पानी इसमें पड़ेगा और इसको ग्रेवी वाला नहीं बनता है ये मछली। बहुत लोग ग्रेवी वाले भी पसंद करते हैं लेकिन हम लोग इसको एकदम ड्राई बनाएंगे, एकदम सूखा हुआ बनाएंगे। मेरा तो मसाला अच्छे से पक चुका था, फिर भी जो थोड़ा बहुत बच गया होगा ये पानी डालने पर ये अच्छे से पक जाएगा। देखिए सारे को मिक्स कर दिए, अब इसमें हम थोड़ा पानी और डालेंगे। देखिए इसको हम डाल दिए पानी और इस यहाँ पे हम इसी जगह पे गैस को हम हाई फ्लेम रखेंगे और हाई फ्लेम पे इसको हम 5 से 7 मिनट तक पकने देंगे। उसके बाद गैस को हम मीडियम कर देंगे और जब ये पूरे अच्छे से ड्राई जब हो जाएगा तो इसको हम गैस ऑफ कर निकाल लेंगे। देखिए इसमें मेरा बॉयल आ गया है, अब इसको हम मीडियम कर इसको हम पकाएँगे। तब तक पकाएँगे जब तक ये ड्राई नहीं हो जाए और अच्छे से कुकना हो जाए। तो आप देख सकते हैं ये मेरा मछली बन गया है, अच्छे से ड्राई हो चुका है और ये ड्राई मछली ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में, इसलिए हम इसको ड्राई बनाए हैं। और अब इसको गर्मा गर्म रोटी के साथ आप खा सकते हैं
और देखिए आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कर बताइए किसको किसको छोटी मछली बहुत पसंद है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।